और दिशा का शुभ विवाह। शादी के पवित्र बंधन में बंधे दो दिल। दोस्तों ने किया जमकर धमाल। रात मुंबई में हुई राहुल और दिशा की शादी, जिसमें शामिल थे राहुल और दिशा के ढेर सारे दोस्त। सारी रस्मों रिवाजों के साथ दिशा और राहुल ने साथ फेरे लिए और दोनों ने 7 जन्मों के लिए एक दूसरे को अपना बना लिया। कलर का शादी का जोड़ा, उस पर भारी भरकम गहनों में दिशा जहां लग रही थी गजब की खूबसूरत, तो वहीं ऑफ व्हाइट कलर की इस शेरवानी में दूल्हे राजा यानी कि राहुल वैद्य लग रहे थे एकदम हैंडसम। हाँ, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खूब कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। वैसे इस खास मौके पर राहुल और दिशा ने एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस भी दी। और देखिए तो जरा, दोनों एक दूसरे की तारीफें करते थक नहीं रहे। दिशा के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। किस किस को अपनी लव स्टोरी कहूं, किस किस को अपनी लव स्टोरी कहूं, दिशा तुम हो वैद्य परिवार की बहू। नीला नीला आकाशा, निया निया आकाशा, अरे निया निया आकाशा, हाँ, सम सम ता तारे, राहुल से नाम घेते, लक्ष्य दया सारी। ये उसने धोखाधड़ी करी मेरे साथ। हुआ क्या कि मेरा एक भाई है सनी नाम का, तो अली ने मेरी मुझे एकदम छुपा के रखी थी, उसके पास सुरक्षित रखी थी। अब क्या हुआ, वो मेरे दोस्त ने अली को बोला कि मोजड़ी मुझे दे दो, और वो इसकी दोस्त के साथ जाके बेच दिया उसको। तो अभी मेरे को बहुत एक बड़ा फटका लगा है, एंड आई हैव पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट। तो अब आप उस जख्म के ऊपर अभी नमक ना छिड़कें। मेरे दिल की है खुशियां अपरंपार, और क्या था, खुशियों की भरमार दिशा परमार। सॉरी, ये राइम नहीं हुआ, खुशियों की भरमार दिशा परमार। बट ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट, मुझे अभी हमारी इनकी जो मेकअप पर्सन है वो कह रही थी, कहती दिशा भी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं थी, ना ही आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो। तो मैंने कहा हाँ, ना वो स्ट्रेस है ना मैं स्ट्रेस्ड हूँ। तो वो कहती है, व्हेन टू राइट पीपल मैरी ईच अदर देयर इज नो स्ट्रेस। एंड ऑनेस्टली दिस वेडिंग हैज़ बीन हेक्टिक बिकॉज प्रेपरेशंस करने में हम एक एक डिटेल में वी पर्सनली लुक्ड इनटू इट, एंड देयर वाज नॉट इनफ टाइम आल्सो। टाइम नहीं मिला था, मैं अभी खतरों के खिलाड़ी से 20 दिन पहले ही लौटा था। सो बहुत ज़्यादा शेड्यूल वॉज वेरी टाइट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स बीन सच अ ब्यूटिफुल डे, एक्सट्रीमली स्पेशल मोमेंट डे फॉर बोथ ऑफ अस एंड आवर फैमिलीज। एंड वो इतने ईजीली हो गया है, इस बात का मुझे अचंबा है, क्योंकि मेरे जितने दोस्त काफ़ी लोग कहते हैं यार शादी ऐसी होती है वैसी होती है, बट इट्स जस्ट बीन सो ब्यूटिफुल। मेरे लिए भी वो दिन आ गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ डॉक्टर नाउ। राहुल और दिशा की शादी में इन दोनों के खास दोस्त शामिल हुए, जैसे कि एली गोनी, श्वेता तिवारी, अर्जुन और नेहा, अनुष्का सेन, विशाल आदित्य सिंह, सना और उनके ढेर सारे दोस्त, जिन्होंने इनको बेस्ट विशेस तो दी ही, साथ ही साथ दोनों की शादी में जमकर डांस परफॉर्मेंसेस भी की।
वैसे इस खास शाम के लिए इनके सभी दोस्तों ने सज धज की खास तैयारियां भी की थी। सभी देसी अवतार में खूब जच रहे हैं। राहुल ने दिशा को बिग बॉस हाउस में प्रपोज किया था और फाइनली दिशा परमार बन गई मिसेस दिशा राहुल वैद्य। और इस खास मौके पर राहुल ने अपनी पत्नी के लिए ये खूबसूरत गाना भी गाया। ऑन दिस स्पेशल ओकेजन वो एक्चुअली वो डिपार्टिंग गाना है, वो याद वाला गाना है, बट आज मैं बहुत खुश होके गा रहा हूँ दिशा। तू छड़ गई मैनू, मैं रह गया कल्ला, जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला। तू छड़ गई मैनू, मैं रह गया कल्ला, जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला। तैनू की पता किन्ना मरदा रिया, किन्ना जींदा रिया, याद तेरी आंदी रही, मैं सारी रात पींदा रिया, ओ याद तेरी आंदी रही, मैं सारी रात हंसता रहा। थैंक यू। राहुल और दिशा ने बताया कैसी रही उनकी शादी की सभी रस्में और उन्होंने अपने इस स्पेशल डे को कैसे एंजॉय किया। इट इज सच अ ब्लेसिंग दैट पीपल एक्चुअली सेलिब्रेट आवर लव एज देयर ओन, सो आई थिंक I don't think I can ask for anything more. I agree to him. लोग एक्चुअली हर कोई बहुत प्यार दे रहा है हमको, जब से राहुल ने बिग बॉस प्रपोज किया है तब से लेके अब तक मैंने कभी हमारे बारे में कुछ ऐसा बुरा नहीं सुना या कहीं बुरा नहीं पड़ा अबाउट टू ऑफ अस। आई हैव ओनली सीन लव, सो आई थिंक वो एक बहुत ही प्यारी चीज़ है दैट हर कोई हमको प्यार करता है एंड दैट्स रियली स्वीट ऑफ एवरीवन, सो थैंक यू। एक्चुअली एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड आपने इतना प्यार जताया है। ये परफॉर्मेंस हमेशा ये बहुत स्पेशल रहने वाली है, शादी की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत स्पेशल होती है। वैसे हम काफ़ी बार हमारे लाइव शोज में परफॉर्म करते हैं, टेलीविजन शोज और टीवी शोज अवार्ड शोज में परफॉर्म करते हैं, बट ये एक परफॉर्मेंस है जो मेरी दिशा के लिए होगी एंड दिशा की मेरे लिए होगी और हमारी दोनों की साथ में हमारे लिए एंड जितने लोग इन्वाइटीज हैं उनके लिए होगी। तो इसीलिए ये स्पेशल, ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। एंड क्या है ना, शादी एक्चुअली अगर अपने लोग उसमें खुशी मना सकते हैं दैट्स ऑल दैट वी वॉन्ट। एंड हम बहुत खुश हैं कि दिशा की फैमिली, मेरी फैमिली के जितने हमारे रिश्तेदार हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो सब आए, उन्होंने यू नो दे ब्लेस्ड अस, सो वेरी वेरी थैंकफुल जी। सो दैट हम फ्रेश लगे। यूजुअली होता उल्टा है, लोग पहले इतनी पार्टी करते हैं उसके बाद थक जाते हैं, तो मुझे लगता है शादी जो मेन चीज़ होती है, जो बंधन, जो एक यू नो द सेरेमनी होती है, वो होनी चाहिए अच्छे से। इसलिए हमने ये डिसाइड किया था दोनों ने कि पहले हम ये करेंगे एंड हमारे जो कॉपर इवेंट्स के प्रतीक हैं, मिथिलेश हैं, जो उनकी पूरी टीम है एंड जो ग्रैंड हयात का हमारा जो यहाँ पे स्टाफ, ऑल द पीपल, दे बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव। ये कोविड टाइम्स हैं एंड इस टाइम में शादी प्लान करना, एक्सिक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो हमारी तरफ से भी राहुल और दिशा को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रुति बरजातिया, मुंबई, आज तक।